यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हां, हिमाचल में लोगों को महंगाई ज्यादा होने, अपराध ज्यादा होने और स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने की वजह से कांग्रेस सरकार को घेरने वाली है और इन्हीं मुद्दों के दम पर कांग्रेस सड़कों पर उतरने का मन बना चुकी है। कांग्रेस ने इसके लिए 26 मई का दिन निर्धारित किया है और इस दिन पूरे प्रदेश में इसके तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। वहीं जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी स्वास्थ्य सुविधा न मिलने जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और जनता के हकों की लड़ाई लड़ेगी और उनके हकों के लिए आंदोलन कर प्रदेश सरकार को जगाने का प्रयास करेगी। वहीं तीन जिलों की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाला अस्पताल अभी भी कई सुविधाओं के बिना ही चल रहा है। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि उन्हें आश्वासन देने के बाद भी सरकार ने यहां पर डॉक्टरों की तैनाती नहीं की है, जिसके चलते अब उग्र आंदोलन किया जाएगा ताकि सोई हुई भाजपा सरकार को जगाया जा सके। तो 26 मई को प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से हो गई है। सत्ता पक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, साथ ही जो तमाम मुद्दे हैं, अपराध का मुद्दा हो या फिर ज्यादा महंगाई हो या फिर स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने जैसे मुद्दे हो, इन सभी चीजों को लेकर लगातार घेरती आई है कांग्रेस सरकार और इसी कड़ी में अब प्रदर्शन उनकी ओर से किया जाएगा। जनता के हकों की लड़ाई कांग्रेस की ओर से अब लड़ी जाएगी। सड़कों पर आकर कांग्रेस अब जनता के हक की लड़ाई लड़ेगी।